हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू कुसुम्स किचन। आज हमने बनाया है मार्केट स्टाइल छोले टिकिया, आलू की टिकिया है। तो चलिए शुरू करते हैं केक चीज़ बनाना। यहाँ पे चना लिया है 1 कप, वाइट चना है। इसे वॉश करके 3 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था। 3 घंटे के बाद मैं इसे प्रेशर कुकर में डाल करके इसमें बाकी के कुछ चीज़ें, थोड़े स्पाइसेस हैं वो मिला करके, 1/2 चम्मच सॉल्ट, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 तेज़पत्ता यानी कि बे लीफ, यहाँ है मेरे पास 4-5 काले मिर्च, 2 ब्लैक वाली जो इलायची आती है वो बड़ी वाली, और इसमें हम डालेंगे 4-5 लौंग, और यहाँ जाता है इसमें 1 चुटकी हींग। बस अब हम इसे ढक्कन बंद करके और 3-4 विसल ले लेंगे, बिल्कुल स्लो गैस पर रखेंगे, 3-4 सीटी लगाना है हमें। और अब हम चलते हैं अपने आलू की टिकिया बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर लिया है 600 ग्राम बॉइल्ड पोटैटोस यानी कि आलू उबले हुए, इन्हें हम कर लेंगे मैश। आलू को मैंने मैश कर लिया है। यहाँ मैंने डाल दिया है कटा हुआ हरा धनिया, 3-4 हरे मिर्च कटे हुए, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक, नमक है नॉर्मल वाला 1/2 चम्मच, रेड चिल्ली पाउडर 1/2 चम्मच, और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर, और इसी में जाता है कॉर्न स्टार्च 1 स्पून। कॉर्न स्टार्च की जगह आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करके इसका डो बना लेंगे। डो बनाने के बाद मैंने अपने हाथों को ग्रीस कर लिया है ऑयल से, और इसकी हम अपने अपन जैसा चाहें उस तरह का शेप बना करके, जितना बड़ा और छोटा चाहें उसके अकॉर्डिंगली टिकिया बना लेंगे। तो इस तरह से मैंने सारी टिकिया इसकी बना ली है। इन्हें हम फ्राई करेंगे लास्ट में, तब तक हम बनाते हैं हरी चटनी। हरी चटनी बनाने के लिए 1 टुकड़ा शिमला मिर्च, 1 लहसुन का पीस, और यहाँ मैंने लिया है 1 इंच जिंजर, और यहाँ है खूब सारा हरा धनिया पत्ता, इन्हें मैंने स्टेम्स के साथ लिया था, 1/2 चम्मच सॉल्ट यानी कि नमक, 1/2 चम्मच जीरा, 1 लेमन स्क्वीज कर लेंगे, इसमें 3-4 हरी मिर्च भी डाल सकते हैं आप स्पाइसी करने के लिए, मैंने हरी मिर्च को स्किप कर दिया था। पीसने के बाद हमारी चटनी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, हरी चटनी, इसे भी हम रख देंगे एक तरफ। अब हम चलते हैं हमारे छोले टिक्की की ग्रेवी बनाने के लिए। तो यहाँ 1/2 चम्मच तेल लिया है मैंने एक पैन में, 1 बड़ा प्याज है, इसे बड़े पीसेस में कट करके 2 मिनट पकाना है, ये मैंने डाला है जिंजर 1 इंच, अच्छे से सोते करेंगे 2 मिनट जब तक कि प्याज जो है वो ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। 2 मिनट कुक करने के बाद प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुका है। 2 बड़ा टमाटर डाल दिया मैंने, 4-5 हरी मिर्चें डाली हैं, हरी मिर्चें आप बिल्कुल कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब तक कि टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हम इन्हें कुक करेंगे। सॉफ्ट हो चुके हैं टमाटर, गैस बंद कर देंगे, ठंडा होने के बाद इसे हम ग्राइंडर जार में डाल के पीस लेंगे। तब तक उसी पैन में मैंने थोड़ा तेल ले लिया है 3 चम्मच के लगभग, उसमें डाल दिया है जीरा, और जो ग्रेवी हमने अभी पीसी है टमाटर और प्याज की वो इसमें डाल दी है। 5-6 मिनट कुक करेंगे जब तक कि इसमें से तेल जो है वो सेपरेट ना हो जाए ग्रेवी में से, तब तक हमें इसे कुक करना है मीडियम फ्लेम पर। 1/2 चम्मच नमक, 5-6 मिनट के बाद ऑयल सेपरेट हो गया है, 1/2 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/4 स्पून हल्दी पाउडर, 2 मिनट कुक करेंगे। उसके बाद में हम चलते हैं हमारे जो छोले हमने कुक किए थे उसका ढक्कन खोल करके देख लेते हैं। छोले हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, इसमें 2 कप पानी डालेंगे, और इसे हम ग्रेवी के अंदर मिक्स कर लिया है। पानी डालने के बाद 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच गरम मसाला इसमें डाल देंगे। मिक्स करने के बाद इसे 5 मिनट के लिए ढककर के कुक करेंगे लो फ्लेम पर। काले नमक से इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। 5 मिनट के बाद गैस बंद कर देंगे, उसमें डाल देंगे धनिया पत्ता। तो यहाँ हमारा छोला भी रेडी हो चुका है यानी कि चना छोला। अब बारी आती है टिकिया
फ्राई करने के लिए। एक फ्लैट पैन के अंदर मैंने तेल ले लिया है, इसमें हम टिक्किया डालेंगे आलू की और इसे बिल्कुल क्रिस्पी गोल्डन कलर आ जाने तक दोनों तरफ से फ्राई करना है। एक तरफ से क्रिस्पी होने लगा है तो मैंने इसे टर्न कर दिया है। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, विंडो के जस्ट नीचे इस तरह का एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे एक बार प्रेस कर देंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई नया वीडियो आता है वो शेयर करूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले, तो विंडो के जस्ट नीचे सब्सक्राइब बटन के पास में इस तरह का एक घंटी का बटन है येलो कलर का, उसे एक बार प्रेस कर दें। जब भी मैं कोई नया वीडियो शेयर करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर मिलेगा। तो एक बेज को फ्राई करने के लिए टिकिया के कम से कम 10 मिनट मुझे लगे हैं और मैंने दूसरा बेज इसमें डाल दिया है। और यहाँ देखिए हमारी जो टिकिया हमने फ्राई की है उसे मैंने बाहर निकाला था, बड़ी क्रिस्पी हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, आवाज़ सुने एकदम करारी सी क्रिस्पी सी इसमें से आवाज़ आ रही है। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमारी टिकिया। अब आ रही है बारी सर्विंग की, तो दो तरह से हम इसे सर्व करेंगे। एक प्लेट में मैंने दो टिकिया रखा है, इसके ऊपर हम डालेंगे 2 चम्मच दही, बिल्कुल फ्रेश दही है यानी कि योगर्ट। और इसमें हम डालेंगे अभी ये है इमली और खजूर की खट्टी मीठी चटनी, इस पर जाता है हरी चटनी जो अभी अभी हमने बनाई थी। इस पर जाता है थोड़ा सा कटा हुआ प्याज यानी कि अनियन चॉप्ड वाला, भुना जीरा पाउडर, काला नमक और यह है धनिया पत्ता और यह है रेड चिली पाउडर। और इसे आप इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही यम्मी लगेगा। और दूसरा जो तरीका है वो है छोले टिकिया का। तो यहाँ एक बॉल में मैंने टिकिया लिया है, इसके ऊपर हम डालेंगे छोला जो भी हमने बनाया था एकदम गर्मा गर्म, और यहाँ मैंने डाला है कटा हुआ प्याज यानी कि अनियन। और इसके ऊपर अब हम डालेंगे दही 1 चम्मच, बिल्कुल फ्रेश दही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। इस पर डाला है मैंने हरी चटनी जो भी अभी बनाई थी वो, और यह है खजूर और इमली की खट्टी मीठी चटनी। ये बिल्कुल उस स्टाइल में हम सर्व कर रहे हैं जैसे मार्केट में हम खाते हैं। यह है भुना हुआ जीरा पाउडर, यह है ब्लैक सॉल्ट जो बड़ा अच्छा टेस्ट देता है कोई भी चाट या किसी भी तरह का जो हम स्ट्रीट फूड खाते हैं इंडियन स्टाइल वाला उसको, और यह है रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा धनिया पत्ता। बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए, एंजॉय करें, बनाएं और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आप सभी से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, घर में अगर कोई खाना बच जाता है प्लीज़ उसे डस्टबिन में कभी ना फेंकें, अपने आसपास उन लोगों को देखें जिन्हें उस खाने की ज़रूरत है, ये खाना उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।